Question number next. One end of a uniform rod AB of length 2A and weight W is attached by a frictionless joint to the smooth vertical wall. ध्यान से देखना बेटा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे पास एक वर्टिकल वॉल है, मान लिया ये मेरी कोई दीवार है, और इस दीवार से एक रोड मान लिया जाए ऐसे लगी है. ओके, मान लिया जाए ये जो रोड ए बी है, इसका एक सिरा ए है और दूसरे वाला सिरा मेरा बी है. ओके, इसकी टोटल लंबाई मेरे को 2A दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और इसका वेट दे रखा है मेरे को W. आगे देखता हूँ. एंड अनदर रोड एंड बी इज स्मूथली ज्वाइन टू एन इक्वल रोड बी सी, और यहाँ से जो है एक दूसरी रोड लगी हुई है ऐसे, इस पॉइंट से ऐसे जुड़ी हुई है. आगे देखना चाहता हूँ. द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द रोड आर ज्वाइनिंग बाई ए इलास्टिक स्ट्रिंग. इसका मिडिल पॉइंट तो सपोज दैट इस रोड का मिडिल पॉइंट तो ये है, इस रोड का मिडिल पॉइंट ये है, ये दोनों के दोनों मिडिल पॉइंट जो है एक इलास्टिक स्ट्रिंग से जुड़े हैं. मान लिया इसका मिडिल पॉइंट पहले वाली ऊपर वाली रोड का मिडिल पॉइंट मेरे पास G1 है, दूसरे वाली रोड का मिडिल पॉइंट मेरे पास G2 है, और इनके बीच में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है. तो स्ट्रिंग की वजह से जाहिर सी बात है एक तनाव पैदा होगा, यहाँ भी एक तनाव पैदा होगा T. ओके, आगे चलते हैं. देखना चाहता हूँ मैं, आगे कहना चाह रहा है ऑफ नेचुरल लेंथ ए, यानी इसके बीच की लंबाई भी मेरे को दे रखी है ए. ओके, नेचुरल लेंथ यानी मेरे को G1 और G2 ए दिया हुआ है. एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 4W. मेरे को ये भी दे रखा है बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्बडा लेकर के चलता हूँ मैं, लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है मेरे को 4W. ओके, आगे देखना चाहता हूँ. प्रूव दैट द सिस्टम कैन बी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इन ए वर्टिकल प्लेन विद सी. ये जो है यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन के अंदर पूरे का पूरा सिस्टम जो है इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसे है. ओके, आगे कहना चाह रहा है. इन इक्विलिब्रियम विद ए वर्टिकल प्लेन विद सी इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल बिलो ए, यानी ये जो सी पॉइंट है ना ये नीचे की तरफ है, ए से नीचे की तरफ है. क्लियर है ना, आगे की तरफ देखता हूँ. एंड द एंगल बिटवीन द वॉल्स बिटवीन द रोड इज, ध्यान से सुनो, द एंगल बिटवीन द रोड इज 2 sin inverse 4/3. अगर ये वाले एंगल की बात कर रहा है, मेरे को सीधी ये करना है कि दोनों के बीच का जो एंगल है मेरे को दिखाना है कि टू प्रूव दैट, कौन सा कोण दिखाना है, ए सी बी, एंगल ए बी सी मेरे को कितना दिखाना है भाई, 2 sin inverse 3/4. ये तो हुआ मेरा क्वेश्चन. क्लियर है ना, देखते हैं भाई. जाहिर सी बात है अगर ये जो ये मेरे पास जो रोड है, ये जो रोड है ये इसका मिड पॉइंट है, ये वाली दूरी होगी मेरी ए यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली भी दूरी होगी मेरी ए. क्लियर है, मिड पॉइंट होने की वजह से ये वाली दूरी मेरी ए होगी और ये वाली दूरी भी मेरी ए होगी. क्लियर, आगे चलता हूँ भाई. यहाँ से जो है मैंने इस पॉइंट को मिलाया, ऐसे मिलाने के जस्ट बाद मैंने इसको जी मान लिया. क्लियर, आगे कहना चाह रहा है कि ये टोटल दूरी मेरे को दे रखी है कितनी, ये भी मेरे को ए दे रखी है. ध्यान से सुनना, मिडिल पॉइंट ऑफ रोड ए बाई ए इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए, इसकी नेचुरल लेंथ मेरे को कितनी दे रखी है, ए दी हुई है. ओके, चलो ये वाली दूरी भी मेरे को दे रखी है ए. आगे की तरफ चलता हूँ. तो जाहिर सी बात है भाई, इस रोड का वेट W है, इस रोड का भी वेट W है, W तो यही काम करेगा ना, यानी यहाँ काम करेगा कितना, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर 2W काम करेगा वेट. ओके, एक बात और भी है बेटा, मैंने फिक्स पॉइंट ये मान लिया, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, फिक्स. जाहिर सी बात है फिक्स पॉइंट ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिक्स पॉइंट इसको मान लिया दीवार के. भाई आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो या यहाँ से फिक्स कर सकते हो, क्लियर सी बात है. ओके, और मैंने ऊपर वाले कोण को, इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया ऊपर वाले को. ओके, इतने से एंगल को मैंने कितना मान लिया, थीटा मान लिया. क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ. अगर मैं वर्चुअल और इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया एल. ओके, अगर मैं वर्चुअल वर्क का कंसेप्ट लगाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से ये होगा मेरे पास, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसके अंदर तो टी है, टी तो होगा ये,
टी के लिए दूरी होगी मेरे पास कितनी, जी वन जी टू। देखो आप टी के लिए दूरी कितनी होगी रे, जी वन होगी और जी टू होगी। ओके वेट तो यहाँ काम कर रहा है, फिक्स पॉइंट ये है। ओके फिक्स पॉइंट ऊपर की तरफ है, वेट नीचे काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वेट के लिए जो दूरी होगी कितनी होगी भाई, डब्लू के लिए जो दूरी होगी डब्लू इंटू डेल्टा कितनी होगी भाई, ए एल होगी आपके पास, ए एल। क्लियर, देखना है अब आपको इनके बीच में क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा है, स्ट्रिंग की वजह से ये तो होगा माइनस, और वेट अब की बार फिक्स पॉइंट से नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये होगा मेरा प्लस, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोलता है कि टोटल होना चाहिए जीरो के बराबर। क्लियर, आगे चलता हूँ, यहाँ तक आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके अब मेरा मेन टारगेट जो है, एक तो मेरा मेन टारगेट है ए एल कैलकुलेट करना, एक मेरा मेन टारगेट है जी वन और जी टू को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। चलता हूँ भाई, सबसे पहले देखता हूँ मैं जी वन और जी टू ये टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल की टोटल। ओके सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ए एल देखता हूँ कितनी है, मैंने ट्रायंगल के अंदर लिया बेटा, इसको मैं इधर डाल रहा हूँ और एक अलग ट्रायंगल की बात करूँगा। अब मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है भाई, एक ट्रायंगल तो बना हुआ है मेरे पास ये, इसी की बात करूँगा पहले। देखना कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला पॉइंट तो मेरा जी है, ये वाला पॉइंट मेरा बी है, ये वाला कोण मैंने थीटा मान लिया, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है जी वन, ये वाली दूरी कितनी है रे, ए है, आपके सामने है। ओके तो जाहिर सी बात है ये तो होगा लंब, परपेंडिकुलर होगा, लंब हो चुका, लंब के सामने ये होगा मेरा डायगोनल डी हो चुका, और ये होगा मेरा बी बेस। मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया, मेरे को चाहिए कौन सी दूरी चाहिए भाई, मैं दूरी निकालूंगा जी वन जी, साइन थीटा बराबर मेरे पास होता है लंब बटे कर्ण, मैंने डायरेक्ट साइन थीटा का यूज़ किया, साइन थीटा बराबर होता है मेरे पास लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू होगी जी वन जी बटे कर्ण की वैल्यू होगी मेरे पास बी जी वन। ओके यहाँ से मैंने जी वन जी की वैल्यू निकाली, जी वन जी मेरे पास निकला बी जी वन साइन थीटा। ओके मैंने बी जी वन की वैल्यू डाल दी बेटा, मेरे पास जी वन जी की वैल्यू निकली बी जी वन, ये तो ए है, ए इंटू साइन थीटा। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। ओके भाई जितनी दूरी ये है, जब मिडिल पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है उतनी दूरी ये होगी ना, ओके उतनी ही दूरी ये होगी नीचे वाली, तो मेरे पास जो होगा बेटा जी वन जी वन जी टू बराबर होगा, टोटल दूरी की बात कर रहा हूँ, जी वन जी टू जब मिडिल पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है तो जितनी दूरी ऊपर होगी उतनी दूरी नीचे होगी, क्योंकि ये वाली दूरी भी बराबर है, ये वाली दूरी बराबर है इस वाली दूरी के। ओके अर्थात मेरे पास जी वन जी टू जो होगी ये टोटल दूरी होगी दो गुणा जी वन इन जी के। ओके मैंने यहाँ से जी वन जी टू की वैल्यू निकाली, जी वन जी टू इज इक्वल टू निकला दो गुणा जी वन जी की वैल्यू डाली ए साइन थीटा, यानी मेरे पास निकला जी वन जी टू इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई टू ए साइन थीटा। ये तो हो चुकी मेरी इक्वेशन नंबर वन। क्लियर, अब बात आती है ए एल की। ओके मैंने दूसरे ट्रायंगल की बात करी भाई, दूसरा ट्रायंगल मेरे सामने है ये है। ओके ये वाला पॉइंट तो मेरा बी है, ये वाला पॉइंट मेरा एल है, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है ए है, और ये वाला कोण मेरा कितना है रे थीटा मान रखा है ना, ये देखो आप यहाँ से टोटल बड़े वाले की, और ये टोटल दूरी मेरी कितनी है टू ए है, आपके सामने है टोटल दूरी टू ए। मैंने मेरे को चाहिए ये वाला कोण थीटा, इसके सामने तो परपेंडिकुलर लंब हो चुका, इसके सामने ये डी हो चुका डायगोनल, और ये मेरा हुआ बेस बी। फिर मैंने साइन थीटा का यूज़ किया, साइन थीटा बराबर कितना होता है रे लंब बटे कर्ण ए बी। ए एल की वैल्यू निकाली, ए एल बराबर मेरे पास निकला ए बी साइन थीटा। यहाँ से मैंने ए एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बेटा, ए एल कितना निकल गया मेरे पास, ए एल बराबर निकला ए बी की वैल्यू है टू ए साइन थीटा। कोई आपत्ति,
नो, क्लियर है ना। ये हो चुकी है मेरे पास इक्वेशन नंबर टू। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की इक्वेशन देखता हूँ क्या है भाई। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की इक्वेशन है मेरे पास W डेल्टा AL, AL की वैल्यू है मेरे पास 2A साइन थीटा माइनस T डेल्टा। मेरे को चाहिए G1 G2 देखो ये रखा हुआ है सामने। G1 G2 की वैल्यू कितनी है रे 2A साइन थीटा आपके सामने है ओके। और W कितना है रे 2W है। ध्यान से देखो आप, ये 2W है, यहाँ पे सिंगल W नहीं है क्योंकि 2W वेट लगा हुआ है। ये मेरे पास कितना है रे 2 ओके। बराबर किसके प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से, जीरो के बराबर। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया 2A मैंने कॉमन ले लिया, 2A तो आ चुका मेरा कॉमन। यहाँ से मेरे पास निकला 2W साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा और डेल्टा थीटा माइनस टी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना निकला कोस थीटा और डेल्टा थीटा बराबर किसके हुआ जीरो के भाई। 2A ध्यान से सुनना एक बार और लिख रहा हूँ, आप ये मत समझना एक लाइन बढ़ा दिए। 2A ये मेरे पास निकला 2W कोस थीटा डेल्टा थीटा माइनस के टी कोस थीटा डेल्टा थीटा बराबर आया जीरो के। मैंने इसमें से 2A तो कॉमन था ही, डेल्टा थीटा भी कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई ये मेरे पास बना 2W कोस थीटा माइनस के टी कोस थीटा बराबर किसके जीरो के। आगे चलता हूँ यहाँ से, यहाँ के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा देखना कितना आ रहा है 2W डेल्टा थीटा। भाई जाहिर सी बात है 2A डेल्टा थीटा तो ज़ीरो हो नहीं सकता ओके। हो सकता है अगले वाली क्वांटिटी ज़ीरो हो, मैंने उसी का यूज़ किया, मेरे पास निकला 2W कोस थीटा माइनस टी कोस थीटा बराबर किसके ज़ीरो के। अगर ये ज़ीरो के बराबर है, मैंने दोनों क्वांटिटी बराबर की, 2W कोस थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से टी कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, टी बराबर निकला मेरे पास 2W ओके। एक रिजल्ट तो आ चुका मेरे पास ये, क्लियर। आगे देखता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को भाई। ये तो दीवार है, इसको कर दिया मैंने फिक्स, ठीक है ना, मैंने इसको फिक्स किया तो जाहिर सी बात है अगर एक दीवार के ऊपर जो है ये मेरी दीवार है ओके, और ये मेरी रोड है, पहले आप समझो उसके बाद आपको बताऊंगा। एक रोड तो मेरी ये है, एक रोड मेरी ये लगी हुई है ओके, ऐसे है, मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया। अगर फ्लक्चुएशन आ सकता है तो यहाँ आ सकता है ऐसे, देखो आप फ्लक्चुएशन, अगर ये जो है इससे स्मूथली जोड़ दी गई है और ये इधर जोड़ दी गई है ओके, अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकता है तो ऐसे आ सकता है ना, क्योंकि ये तो फिक्स कर दिया मैंने, इधर से ये भी फिक्स कर दिया ओके। अर्थात लेंथ के अंदर अगर चेंजेज आएंगे तो यहाँ आ सकते हैं ऐसे, क्लियर, उसी की बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास हुक्स का नियम होता है बेटा, क्या होता है हुक्स लॉ लगाऊंगा मैं जानता हूँ हुक्स के नियम से, हुक्स के लॉ से टी बराबर होता है लैम्डा एक्स अपॉन ए। ध्यान से सुनना लैम्डा एक्स और क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है मेरे पास इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, गलत लिख दिया लेकिन कोई बात ना चलेगा, लैम्डा तो होता है मेरे पास इलास्टिक कांस्टेंट, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 4W दे रखी है, लैम्डा बराबर हुआ है मेरे पास 4W ओके। अब देखते हैं एक्स क्या है, एक्स बराबर है मेरे पास एक्सटेंसिबल लंबाई, एक्सटेंसिबल लेंथ माइनस रियल लेंथ, और ये जो ए होती है ना बेटा डिवाइडेड होता है ये होती है मेरे पास एक्स, एक्स की वैल्यू। देखो अब आप एक्स बराबर जो एक्सटेंसिबल लेंथ है ऐसी तो बढ़ सकती है ना, ऐसी तो बढ़ सकती है एक्सटेंसिबल लेंथ मेरे पास जो होगी बेटा, यहाँ से अगर लेंथ के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है ऐसे बढ़ सकती है ये ऊपर नीचे, अर्थात इस पॉइंट के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सटेंसिबल लेंथ बराबर होगी G1 G2, ऐसी तो बढ़ सकती है जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता रहा था ओके। और
इक्वल नेचुरल लेंथ इसकी क्या है ए, और डिवाइडेड बाई ओके ठीक है निकल चुका। मैंने यहाँ से टी की वैल्यू निकाली, टी बराबर मेरे पास निकला लैम्बडा की वैल्यू डाली 4W इंटू ये मेरे पास हुआ G1 G2 माइनस ए डिवाइडेड बाई ये जो ए होता है ना बेटा ए बराबर होता है रियल लेंथ। ये क्या होती है रे ए बराबर होती है रियल लेंथ, और रियल लेंथ मेरे को कितनी दे रखी है आपके सामने है, रियल लेंथ कितनी होगी रे रियल लेंथ होगी ए, क्लियर, क्योंकि इसकी लंबाई मेरे को ए दी हुई है। यहाँ लगा रहा हूँ मैं उसका नियम, आप ये मत समझ लेना मैंने गलती से इधर इंटीग्रेट कर दिया था, लंबाई में जो बढ़ोतरी होगी ना ये लंबाई मेरे को मेंशन भी की हुई है, मैंने ए दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ए दी हुई है इसके अंदर बढ़ोतरी होगी, एक्चुअल लेंथ मेरी ये होगी ओके। जहाँ भी लंबाई बढ़ती और घटती है वहाँ उसका नियम लगाया जाता है। आगे देखता हूँ मेरे पास G1 G2 की वैल्यू कितनी है भाई, G1 G2 की वैल्यू है मेरे पास 2a sin थीटा, मैंने वैल्यू डाली तो t बराबर मेरे पास कितना निकला t बराबर हुआ मेरे पास 4W तो ये हुआ ओके। G1 G2 की वैल्यू डाली मैंने 2a sin थीटा आपके सामने है, G1 G2 मैंने वैल्यू डाली 2a sin थीटा माइनस का हुआ मेरा a और डिवाइडेड कर दिया मैंने a ओके। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक तो ये तो वाल हुई दीवार हुई, एक रोड मेरे पास ये है और एक रोड मेरे पास ये लगी हुई है ओके। ध्यान से सुनना ये ऐसे कनेक्टेड है, ग्राफ की तरफ देखो यहाँ से ये सब कुछ फिक्स, अगर ऐसे ऐसे हिलेगी है, जब ऐसे 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 हिलेगी तो लंबाई में जो बढ़ोतरी होगी ना ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है ना इसमें बढ़ोतरी होगी, इसलिए मैंने इसको ए लिया है। ये मेरे पास एक्चुअल लेंथ वो वाली है जो ये स्ट्रिंग के अंदर जो बढ़ोतरी और घटत हो रही है, और क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है ना वो ए है, क्लियर। चलो तो टी की वैल्यू जो कितनी निकली टी बराबर हुआ मेरे पास 4W तो ये निकला बेटा, मैंने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेने के बाद ये निकला मेरे पास 2 sin थीटा और माइनस के 1 हुआ डिवाइडेड बाई ए हो चुका, ये इससे कैंसिल कर दिया। टी इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास ये निकला 4W sin थीटा माइनस के 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर ए। कोई डाउट, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास टी की दो वैल्यू निकल करके आई है बेटा, ध्यान से देखना, एक तो टी बराबर मेरे पास कितना है टी बराबर, एक तो मेरे पास निकला हुआ है टी बराबर निकला है 2W ओके, ये सपोज दैट आप इक्वेशन बी मान लो, और एक टी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली हुई है अभी, टी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी निकली है टी बराबर है मेरे पास 4W sin थीटा माइनस के 1, मैंने क्या किया दोनों को बराबर किया, दोनों टी की वैल्यू है तो जाहिर सी बात है मेरे पास निकलेगा 2W, इस यहाँ वैल्यू डाल दी 2W इज इक्वल टू टी, यहाँ डाल दिया मैंने 2W इज इक्वल टू हुआ मेरे पास 4W sin थीटा माइनस के 1, W से W कैंसिल, ये हुआ मेरे पास 2/4 इज इक्वल टू कितना निकला बेटा साइन थीटा माइनस के 1, इसको इधर उठा ला ये इससे कैंसिल, कितना निकला मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस के 1, इसको इधर उठा करके लाया 1/2 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना हुआ साइन थीटा ओके। आगे की तरफ चलता हूँ, 1/2 प्लस के 1 कितना निकल गया रे 3/2, और हाँ एक बात और भी है जरा सी मिस्टेक कर दी है मैंने, ध्यान से सुनो आप, ये यहाँ 2 चल रहा है, ये देखो आप ये 2 है, यहाँ पर 2 है छोड़ दिया था मैंने ओके, देखो आप ये 2 ऊपर वाला गलती से छूट गया था, ये यहाँ से ये मेरे पास यहाँ कितना है रे 2 है, ये मेरे पास कितना है 2 है, ये मेरे पास कितना है 2 है, यहाँ 2 है ओके, गलती से मिस्टेक होगी थी छोड़ दिया था ये ओके, और ये कितना है मेरे पास 2, क्लियर। मैंने इसको ऐड किया कितना निकला भाई 1 + 1/2 3/2 इज इक्वल टू 2 sin थीटा, डिवाइड कर दिया 3/4 इज इक्वल टू कितना मेरे पास निकला साइन थीटा, क्लियर है ना। आगे कह रहा है भाई जब ये वाला ऊपर का एंगल थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा क्योंकि सारी दूरियां बराबर हैं ओके, तो मेरे पास होगा एंगल कितना होगा रे ए बी, पहले यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, ए बी सी बराबर होगा 2 into थीटा,
मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा बराबर कितना निकला रहे, साइन इनवर्स 3/4। ओके, एंगल ए बी सी चाहिए, मैंने किया 2 गुना थीटा की वैल्यू डाल दी, साइन इनवर्स 3/4। ओके, तो एंगल ए बी सी बराबर निकला 2 sin inverse 3/4, और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो आप क्वेश्चन के अंदर देखो, ए बी सी बराबर 2 sin inverse 3/4। ओके, और यही आपका आंसर। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।